तुम जॉब करोगी, ये क्यों सोचा तुमने? सब कुछ तो तुम्हें बता चुकी हूँ सना। बेवकूफ लड़की, मुझे तुम्हारी अकल पर रोना आ रहा है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी अगर तुम मुझे जॉब दिलवा दो प्लीज। तुम सिर्फ बीए पास हो, चलो ये भी कोई मसला नहीं है, छोटी मोटी जॉब तो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन फलक, तुम चीजों को गलत एंगल से देख रही हो। क्या मतलब? तुम वो ही सब कुछ करने जा रही हो जो तुम्हारी किंजा आप ही चाहती हैं। तुम उनका काम आसान कर रही हो, वो तो चाहती ही है कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और तुम उनके रास्ते से हट जाओ। मैं जानती हूं, मैंने भी सब कुछ ही सोचा था, लेकिन अब मैं अजियत की जिंदगी और नहीं जी सकती। अच्छा, तो तुम्हें गैब का इल्म है? क्या मतलब? फलक देखो, तकदीर को अपना काम करने दो। जब तुम्हारी किंजा आप ही चाहती हैं कि तुम लोग अलग हो जाओ, तो ये तो एक बेस्ट ऑप्शन है। तुम लोगों को अलग हो जाना चाहिए था। ये इतना सिंपल नहीं है सना। भाभी कभी भी तैमूर को अपने आप से अलग नहीं होने देंगी, कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ उन्हें और तैमूर को भी, भाभी के बिना तो वो सांस भी नहीं लेते। देखो, इस रिश्ते को एक और मौका देके देखो। और अकेली लड़की के लिए घर से निकलकर जॉब करना, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। तुम्हें सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, एक महाफिज चाहिए, छत चाहिए। इस छत के नीचे तुम अकेले नहीं रह सकती, ये दुनिया तुम्हें नहीं जीने देगी अकेले। तुम समझो इस बात को।